से कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली है, तब से लगातार एक मुल्क के अंदर पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के ही लड़े को लड़ रहे हैं। जिस रूप में कल जब राहुल गांधी जी ने मुलाकात की मजदूरों से, तो क्या वजह थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कुछ बुखलाट हो गई कि पता नहीं वो क्या क्या कमेंट करी राहुल जी के बारे में और सोनिया गांधी जी के बारे में। पता नहीं इसकी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, क्या उनको फीडबैक नहीं मिल रहा है, क्या जरूरत पड़ गई कि निर्मला सीतारमण जी को बोलने किस प्रकार से, अनावश्यक माहौल खराब करने का क्या फायदा है, ये मेरी समझ के परे है। सब लोग विचलित हो रहे हैं। ऐसे वक्त में उद्योग धंधे भी चले, मजदूर घर जाके वापस भी आएंगे, अगर उनको हम लोग विश्वास दिलाएंगे कि सरकार आपके साथ खड़ी है। फिर हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा है, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। इस प्रकार के माहौल में, देश में जो माहौल बना है, मैं समझता हूँ कि कोरोना की जंग लड़नी है तो मजदूरों का साथ चाहिए हमें, सभी धर्म सभी जाति सभी वर्गों का सहयोग चाहिए हम लोगों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जमकर प्रहार किया। सीएम गहलोत ने कहा कि मजदूरों के पैदल पलायन करने और देश में मची अफरा तफरी से पूरे विश्व में भारत की इज्जत कम हो रही है। केंद्र सरकार यदि उन मजदूरों और प्रवासियों की पहले ही सुध ले लेती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। केंद्र की ओर से लॉकडाउन बिना किसी व्यवस्था के अचानक लागू कर दिया गया, जिससे देश में हजारों मजदूर पैदल ही पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। जब से कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली है, तब से लगातार इस मुल्क के अंदर जो लड़ी लड़ी जा रही है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, सब ने मिलकर के इस जंग के अंदर लड़ने का फैसला किया और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के इस लड़े को लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जिस प्रकार से कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको जंग के अंदर, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ करी थी, मेरे समझ के परे हैं कि जिस रूप में राहुल गांधी ने स्टेप उठाए, वार्न किया भारत सरकार को 12 फरवरी को ही कि ये कोरोना फैल सकता है मल्टीफोल्ड, जिस प्रकार से लॉकडाउन घोषित कर दिया अचानक, उस अफरा तफरी मच गई देश के अंदर, सारे लोग जहाँ जो गए हुए थे अपने काम धार्मिक यात्राओं में पर्यटन के रूप में काम धंधे में, वो तमाम लोग वहाँ फंस गए। जिस प्रकार का व्यवहार हुआ मजदूरों के साथ में, उसके कारण और भय के कारण भी इस महामारी पता नहीं किस रूप में आगे बढ़ेगी, इस कारण से देश के मजदूरों ने मन में तय कर लिया कि हमें एक बार अपने गांव जाना है, अगर मरना ही है तो गांव में मरेंगे। यहाँ तक लोगों के दिलों में भावना आ गई, इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी, निकल पड़े वो। अगर समय पर उनको वार्न किया जाता तो वो चले जाते ट्रेनों के अंदर, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो पैदल निकल पड़े। दुर्भाग्य से आप देख रहे कितनी घटनाएं हो रही, कितने लोग मारे जा रहे रास्ते के अंदर एक्सीडेंट से भी और अन्य तरीकों से भी, ये दुखद दृश्य देखने को मिल रहा पूरे देशवासियों को। पूरा देश विचलित है इसको लेकर के, पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही दुनिया के अंदर। और जिस प्रकार से ट्रेनें शुरू हुई, कुछ प्रयास हुए तो ट्रेनों किराया लगने लग गया किराया, तो सोनिया गांधी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, आप बजाय इसके कि मजदूर की जेब से पैसा जाए, कांग्रेस पार्टी इसको पैसा चुकाए।
वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बयान का भी सीएम गहलोत ने सख्त विरोध किया। गहलोत ने कहा कि वित्त मंत्री बौखला रही है, राहुल गांधी ने तो सिर्फ मजदूरों से मुलाकात की थी, उनका दर्द बांटा था। उस पर वित्त मंत्री ने कमेंट किए, वे बेहद ही शर्मनाक है। जिस रूप में कल जब राहुल गांधी जी ने मुलाकात की मजदूरों से, तो क्या वजह थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इतनी बुखलाहट हो गई? बिना कोई कारण के, बिना कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन के राहुल गांधी के खाली मजदूरों से मिलने मात्र से, उनके हालचाल पूछने मात्र से, उनके दिलों में घाव हुए, उनको मरहम लगाने मात्र से वो इतनी बौखला गई कि पता नहीं वो क्या क्या कमेंट करी राहुल जी के बारे में और सोनिया गांधी जी के बारे में। मैं इसको कंडेम करता हूँ, कोई कारण नहीं था। हम विपक्ष में हैं तो क्या हम अपना धर्म नहीं निभाएंगे? कोई कमेंट किया हो जाकर राहुल गांधी जी ने, आलोचना की हो प्रधानमंत्री जी की किसी की, तब तो समझ में आता है आप कुछ भी कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, टिप्पणी कर सकती हैं। बिना कोई कारण के राहुल गांधी लगातार मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्शन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं किस प्रकार से हम इस कोरोना जंग के अंदर अपनी भूमिका निभा सकते हैं, सरकार को हम सलाह दे सकते हैं। सरकार सलाह माने या नहीं माने उनके ऊपर है, पर सलाह देना विपक्ष का धर्म होता है। अगर वो कहे कि कोरोना बीमारी में लोग मारे जा रहे हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़नी चाहिए, जब वो ये कहें कि देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही, कॉलेप्स हो गई है, उस पर किस प्रकार हमें कदम उठाना चाहिए, अगर वो कहें कि सोशल कमिटमेंट पूरे होने चाहिए, जो गरीब आदमी हैं, असहाय है, डेस्टिट्यूट है, मजदूर हैं, उनके जेब में पैसे कैसे जाए, किस प्रकार उनके जेब में पैसा जाए सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से, जिससे कि वो ऐसे वक्त में गुजारा कर सके। अगर ये तमाम राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं तो किसी को बुरा माने, झूठ क्या है? राजनीति में, डेमोक्रेसी में ऐसे कॉमेंट आते हैं तो बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं, बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से इमदाद करते हैं। जैसे अभी भामाशाह ने, दानदाताओं ने कोई कमी नहीं रखी, पूरे मुल्क के अंदर जिस रूप में लोगों ने आगे आकर के इमदाद करी है, गरीबों की, मजदूरों की, असहाय लोगों की, वो तारीफ़ काबिल है। दुनिया जानती है कि इस देश के अंदर पक्ष विपक्ष मिलके इस लड़ाई को, जंग को लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में अनावश्यक जिस रूप में वित्त मंत्री ने कमेंट किए हैं, और तो और सोनिया गांधी जी के बारे में जो शब्द काम लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके बुखलाहट का परिचायक है। वो सहन नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार की भूमिका सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की रही है इस पूरे जंग के दौरान में। प्रवासी मजदूरों के मामले में बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि मजदूरों को विश्वास दिलाने की जरूरत है, ना कि बयानबाजी करके माहौल खराब करने की। प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान की तर्ज पर ही प्रवासी मजदूरों के शिविर और वाहनों का इंतजाम करना चाहिए। क्या हम लोग सड़कों पर उतरे जो लोग हैं, पैदल चल रहे हैं, बच्चों को गोदों में लिए हुए, सिर पे गठरी रखे हुए, क्या हम अब भी नहीं रोक सकते उनको? क्या हम राज्य सरकार को सलाह नहीं दे सकते कि आप बसें लगाइए, कुछ भी कीजिए, इनको भेजिए इनको घरों पर आराम से? राजस्थान में हमने प्रयोग किया, जिस रूप में हमने कैंप बना दिए इनके लिए, कलेक्टर SDO को जिम्मेदार ठहरा दिया कि आप लोग देखेंगे कोई व्यक्ति सड़क पर चलेगा, इमीडिएटली गाड़ी लगाएं, बस लगाएं, कैंपों में ले जाएं, खाना खिलाएं, उनकी देखभाल करें और उनको बॉर्डर पर छोड़ दें ले आ करके। अगर हमने इस व्यवस्था को ठीक किया है तो पूरे मुल्क में आज भी बजाय इसके कि आलोचना कर राहुल गांधी की, आपको चाहिए था कि आप किस प्रकार की व्यवस्था करने में विपक्ष का सहयोग चाहते हैं, उनसे बातचीत करते, किस प्रकार से हम सब मिलकर के मजदूरों के जो काफिले चल रहे हैं, इनकी बजाय उनको गाड़ियों बैठा करके हम छोड़ने की बात करें। ट्रेनों से जाएंगे तो 6 महीने लगेंगे इनको, 6 महीने 8 महीने लगेंगे तब जाके जा पाएंगे। पैदल निकल पड़े हैं तो क्यों नहीं बस लगा करके हम इनको बेच सकते हैं? सब कुछ संभव है।
पता नहीं इसकी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, क्या उनको फीडबैक नहीं मिल रहा है, क्या जरूरत पड़ गई कि निर्मला सीतारमण जी को बोलने किस प्रकार से, अनावश्यक माहौल खराब करने का क्या फायदा है। इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत ने विश्वास दिलाया है कि केंद्र के साथ राज्य सरकार पूरी तरह खड़ी है। ये महामारी का जो दौर है इसमें दोनों ही सरकारों को तालमेल बिठा के काम करना पड़ेगा और आम जनता को आगे रखते हुए राजनीतिक स्वार्थ को पीछे रखना पड़ेगा, तभी आम जनता के हित में फैसले लिए जा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अब भी मौका है, इन मजदूरों का दुख जो है वो देखा नहीं जा रहा, लोगों से सब लोग विचलित हो रहे हैं। ऐसे वक्त में उद्योग धंधे भी चले, मजदूर घर जाके वापस भी आएंगे, अगर उनको हम लोग विश्वास दिलाएंगे कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी वो इतने विचलित हो गए, इतने दुखी हो गए हैं, पैदल चलना 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर मेरे ख्याल में इतिहास में कभी सुना नहीं मैंने। इस प्रकार के माहौल में, देश में जो माहौल बना है, मैं समझता हूँ कि कोरोना की जंग लड़नी है तो मजदूरों का साथ चाहिए हमें, सभी धर्म सभी जाति सभी वर्गों के सहयोग चाहिए हम लोगों को, सभी पक्ष और विपक्ष पार्टियाँ राज्यों में हैं या केंद्र में हैं, सब मिलकर लड़े तब जा कर के हम कामयाब हो पाएंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा जैसा हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा है, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, हम चाहेंगे कि जीवन पे जो संकट आया है उसका मुकाबला करें मिलके, जीवन पे भी और जीविका पे भी इस संकट का मुकाबला करने में हम सब मिलके चलें, ये उनका जो सपना है, मैं समझता हूँ कि उनकी भावनाओं को समझेंगे और निर्मला सीतारमण जी को सलाह देंगे। इस प्रकार के ऊंचे कमेंट जो किए उन्होंने सोनिया जी के बारे में, वो करने के बाद जाए, यही कहता मैं, उम्मीद करता हूँ कि सरकार आगे आएगी, कुछ कदम उठाएंगी जिससे कि गाड़ी पटरी वापस आ सकें।